रक्षाबंधन से ठीक पहले धामी सरकार ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री ने सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ किया। उनके उत्पाद बेचने के लिए मार्केट उपलब्ध। मंगलवार को गुरुवार को सचिवालय में स्वयं सहायता समूहों के द्वारा निर्मित राखियों के एक ऐसे ही स्टॉल पर सपत्नीक पहुंचकर मुख्यमंत्री ने योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान महिलाओं ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए मुख्यमंत्री को राखी बांधी। इस दौरान ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी और मुख्यमंत्री की पत्नी गीता धामी भी मौजूद रही। मैं ब्लॉक विकास नगर से हूँ। मेरे समूह का नाम नागदेवता स्वयं सहायता समूह है। हम लोग छोटे छोटे से उसमें काम कर रहे थे, तो हम जैसे घी में शहद में और अभी राखियों का हम लोगों को मुख्यमंत्री जी के यहाँ से भी मैम से मुलाकात हुई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनके साथ हमारी एक मीटिंग हुई थी। मैडम दी उसके लिए हम सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इस छोटी छोटी सी योजना से हम लोगों का बहुत सहारा मिलता है। हम लोग जो अपना सामान तैयार करते हैं, हम लोगों को अपना ही एक बाज़ार मिल रहा है, जिसमें हम लोगों के लिए ये बहुत अच्छी बात है। हम लोगों को बाहर जाना पड़ता था, इधर उधर जाकर हम लोगों को मेले में स्टॉल में इतने लंबे टाइम में बेचना पड़ता, अब हमारे ही ब्लॉक में अपने ही माध्यम से हम लोग मतलब ज़्यादा दूर नहीं जाकर हमें पास में ही मिल रहा है। तो ये हमारे लिए इन्होंने अगर जो सर ने अभी योजना लागू की है, इसके लिए हम दिल से सर का धन्यवाद देते हैं। और मैम से भी अभी हमारा मिलना हुआ था, तो मैम ने भी हमको बहुत प्रोत्साहित किया था। मैम ने हमसे राखियाँ भी खरीदी हैं, जो अभी उन्होंने हमारे सेना में जवान हैं वहाँ उन्होंने राखियाँ दी थी। तो कुछ ऑर्डर मैम का था जो हमने कंप्लीट किया था, और मैम के मिलने पे हमने ये बात रखी थी। तो मैम ने इस योजना को हमारे बीच में लाया, सर ने इसको हमारे लिए किया। सर का दिल से धन्यवाद देते हैं, इस योजना को उन्होंने हमारे बीच में लाया। थैंक यू सर। हमारे राज्य में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान हमेशा से रहा है, और मातृशक्ति लगातार उद्यम करती है, लगातार परिश्रम करती है, बहुत सारे नवाचार करती हैं, और बहुत सारे हमारे स्वयं सहायता समूह हैं हमारी बहनों के, मातृशक्ति के, जो बहुत सारे उत्पाद बनाते हैं। उसमें घरेलू उत्पाद भी हैं, बच्चों के उत्पाद भी हैं, अचार से लेकर सिलाई बुनाई, और रक्षाबंधन जैसे पर्व आ रहा है तो उस रक्षाबंधन पर्व में भी जो उनके द्वारा राखियां बनाई गई हैं, अन्य सामान बनाए गए हैं, बहुत ही उच्च दर्जे के हैं, और उनको एक कोई प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, एक कोई स्थान मिलना चाहिए जहां पर उनके इन उत्पादों की ठीक प्रकार से उसको बाज़ार मिल पाए, उसका विपणन हो पाए। उसके लिए मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के माध्यम से सभी बहनें जो उद्यम करती हैं, अपना उद्योग चलाती हैं या स्वयं सहायता समूह में बहुत सारा निर्माण करती हैं, तो उनको एक अच्छा स्थान मिलेगा, उनके बनने वाले सामान का उचित मूल्य मिल पाएगा, बाज़ार मिल पाएगा। और मुझे खुशी है कि जब भी मैं उनके किसी भी कार्यक्रम में जाता हूँ, उनके उत्पादों को देखता हूँ, तो उनके उत्पाद किसी मल्टीनेशनल कंपनियों से कम नहीं है, जो हमारी बहनों के द्वारा अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से बनाए होते हैं। देखिए, आज मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही खुशी का दिन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनों के लिए और महिला उद्यमी जो बहनें हैं उनके लिए मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना ला करके ये बहुत ही बहनों को अच्छा प्लेटफॉर्म देने का काम किया है, अच्छा मार्केट बाज़ार देने का काम किया है। हमारी बहनें जो स्वयं सहायता समूह में जुड़ करके घर गाँव में बहुत से खाद्य पदार्थों को बनाती हैं, बहुत से उत्पाद जो है वस्तुओं का निर्माण करती हैं, और सरकार के द्वारा जो है उनको इन कार्यों को जो है करने के लिए बहुत कई सारी योजनाएं भी शुरू करी गई हैं, और उनके सहयोग से महिलाएं जहां एक तरफ अपने काम को आगे बढ़ा रही हैं, कामों को शुरू कर रही हैं, वहीं जो है गवर्नमेंट उन्हें समय समय पर अलग अलग जो है मेलों के माध्यम से प्रदर्शनियों में भेजने का भी काम करता है। और मैं समझती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे आगे बढ़ा करके और समय समय पर इस योजना के माध्यम से महिलाओं को जो प्लेटफॉर्म देने का काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। मैं समझती कि आज हमारी बहनें बहुत ही खुश होंगी और जो है वो दुगनी ऊर्जा के साथ में जो है अपने कामों को करेंगी, आगे बढ़ाएंगी और अपने परिवारों को आजीविका देने का काम करेंगी और इस समाज को, इस गांव को आर्थिक रूप से भी मजबूत करने का काम करेगी। मेरी सभी बहनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाइयाँ हैं।